नमस्ते, मैं आपका स्वागत है हमारे नीमच के कलेक्टर दिनेश जैन एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और यह विश्व रिकॉर्ड बन रहा है हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए। जी हां, कलेक्टर दिनेश जैन के नेतृत्व में सैनिकों के लिए बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित की जा रही है और नीमच कलेक्टर द्वारा 50 लाख रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह राशि करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है और इसको लेकर एक विशेष रैली का आयोजन आज नीमच में किया गया जिसका नेतृत्व कलेक्टर दिनेश जैन ने किया। कलेक्टर दिनेश जैन अपने पूरे शासकीय अमले के साथ जब नीमच की सड़कों पर पैदल चले तो उनके स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा और रैली में हाथों में तिरंगा लिए और आजादी के तराने गुनगुनाते हुए, देशभक्ति के तराने गुनगुनाते हुए जब कलेक्टर जैन निकले तो उनके साथ बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। जगह जगह सामाजिक संगठनों ने इस रैली का भव्य स्वागत किया और नीमच कलेक्टर के इस पुण्य अभियान में सहयोग बनकर उनके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम बढ़ाते रहे। और नीमच कलेक्टर चूंकि रचनात्मक व्यक्ति है, वे अलग हटकर काम करते हैं और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने नीमच जिले को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी थीम पर वे काम करते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने रक्तदान महादान अभियान चलाया था और नीमच का नाम जिस रिकॉर्ड में शामिल किया था, उसी तरह सैनिकों के कल्याण के लिए उन्होंने जन जागरूकता का ऐसा अभियान चलाया कि नीमच का जन जन इस अभियान में शामिल हो गया और सैनिकों के कल्याण के लिए राशि एकत्रित करने का महाअभियान शुरू हो गया। आज जब वहां रैली निकली तो उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी नजर आए, जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए और कलेक्टर का जगह जगह स्वागत किया गया और यह रैली डाक बंगले से शुरू होकर नीमच के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची, जहां पर नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि सैनिक जो हमारे देश का आधार है, हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, ऐसे सैनिक परिवारों के लिए अगर हम मदद कर रहे हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे इस जन जागरूकता अभियान में नीमच शहर शामिल हो रहा है और उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कलेक्टर दिनेश जैन के साथ कदम से कदम मिलाया और इस रैली के समापन अवसर पर कलेक्टर ने नीमच शहरवासियों का धन्यवाद दिया। और बड़ी बात यह है कि कलेक्टर दिनेश जैन के नेतृत्व में नीमच में एक और विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है और सैनिक कल्याण के लिए करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई जा रही है। हालांकि लक्ष्य 50 लाख का था, लेकिन राशि उससे कहीं 2 गुना एकत्रित की जा रही है और यह सफल हो पाया है नीमच कलेक्टर दिनेश जैन के प्रयासों से। देखिए, हमारी भारतीय सेना जो है विश्व में महानतम सेना मानी जाती है और जो हमारे सैनिकों को सम्मान देने का ये दिवस है और उनके परिवारों की मदद करने के लिए जो धनराशि एकत्रित की जाती है झंडा दिवस के अवसर पर, ये आज हम लोगों ने पूरे नगर में रैली का आयोजन किया है और काफ़ी अच्छा माहौल है और सभी संस्थाएँ, सभी नागरिक बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी बड़ा डोनेशन इकट्ठा होने की उस स्थिति में हम लोग हैं और मुझे लग रहा है भारत में सबसे ज़्यादा सैनिकों के कल्याण के लिए पैसा इकट्ठा करने वाला जिला जो है नीमच बनने वाला है आज रिकॉर्ड। सर, आपके मार्गदर्शन में ये एक और हम नया हासिल करने जा रहे हैं, सर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसका श्रेय पूरे नीमच जिले के नागरिकों को, यहाँ की संस्थाओं को, आप सभी लोगों को है जो कि सब लोग परोपकार में आगे आते हैं, जो भी हम लोग विचार लेकर आते हैं उसमें सबका सहयोग मिल रहा है, तभी ये सफलता मिल रही है। सर, नीमच जब से आप पदस्थ हुए हैं उसके बाद में नीमच कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तो मैं नीमच जिलों के नागरिकों को ही ये सारी चीज़ें समर्पित करता हूँ कि उनके प्रयासों से ही ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। सर, हम लोग तो एक माध्यम है, उसके प्रयास करते हैं और सफल हो रहे हैं। सर, जिले में कितना लक्ष्य वगैरह लिया गया है, सब कुछ रहा है? जिले में हम लोगों ने सोचा था इनिशियली कि 50 लाख रुपए एकत्रित करेंगे, लेकिन कम से कम डबल से ज़्यादा राशि एकत्रित होने की संभावना है।